सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन रूल। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है या फिर वर्ड्स है जो प्रीलिम्स में आने की चांस है, जिसकी 90% रहती है, हम उसे ही डिस्कस करेंगे। अगर मौर्यन के टाइम में स्टेट का कंट्रोल कैसा था, इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर किंग को कहा जाता था धर्म प्रवक्ता, यानी कि प्रोमुलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर, जो सोशल ऑर्डर को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करे और लोगों को सिखाए, ये ऐसा कह रहे हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट और है कि द रॉयल ऑर्डर वेयर सुपीरियर टू अदर ऑर्डर वेयर वाज असिस्टेड बाय अशोका इन हिज इंस्क्रिप्शन। ओके, तो जो रॉयल ऑर्डर रहती थी वो काफ़ी सुपीरियर रहती थी किसी अदर ऑर्डर से, किसी छोटे अधिकारी के ऑर्डर से ज़्यादा सुपीरियर ऑर्डर, जो अगर एक किंग की कोई ऑर्डर रहती थी तो उसे सुपीरियर माना जाता था। और अगर इस लाइन में बात करें, इन नो अदर पीरियड्स ऑफ एंशंट हिस्ट्री वी हियर ऑफ सो मेनी ऑफिसर एज इन मौर्यन टाइम्स। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, अगर इतने सारे ऑफिसर्स अगर मौर्यन टाइम में है, तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी बड़ी होगी, एरिया भी काफ़ी बड़ा होगा। तो इससे ये पता चल सकता जो मौर्यन एम्पायर थे उनका, उन्होंने काफ़ी वास्ट एरिया को कैप्चर करके रखा था, या उनके वो सब एरिया, इंडिया की जो भी एरिया है वो उनके अंडर थी। अगर इस लाइन की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दे ऑल्सो हेल्प द कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम क्रेडुलस पीपल्स थ्रू डेलिबरेट रिजॉर्ट टू सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस। और अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फंक्शनरी को कहा जाता था तीर्थास, और जो और उन्हें जो उनकी पेमेंट होती थी वो कैश में होती थी। अगर आप यहाँ पर हाईएस्ट ऑफिसर की बात करें तो उसे हम कह रहे हैं मंत्री, अगर हाई प्रिस्ट की बात करें तो उसे कह रहे हैं पुरोहिता, और कमांडर इन चीफ की बात करें तो उसे कहते हैं सेनापति, और क्राउन प्रिंस की बात करें तो उसे कहते हैं युवराज, हु वेयर पेड जेनरसली एज मच एज 48,000 पानास, मतलब कि जिन्हें 48,000 पानास इतना इन्हें पेड किया जाता था। पाना, पाना क्या, पाना बिंग अ सिल्वर क्वाइन है, पाना एक सिल्वर क्वाइन है, किसके बराबर है, 3/4 ऑफ तोला के बराबर है, 3/4 ऑफ तोला। और अगर आप देखा जाए जो लोएस्ट ऑफिसर थे उन्हें 60 पाना मिलता था, और यहाँ तक कि कम से कम 10-20 पाना भी किसी एम्प्लॉयर को पे किया जाता था। तो ये हमने देख लिया स्टेट का कंट्रोल कैसा था मौर्यन रूल में, हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। अगर इकोनॉमिक रेगुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पर जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वहां पर ये अपीयर हुआ है कि किंग जो थे, स्टेट जो थी वो 27 अध्यक्ष को अपॉइंट किया था, मतलब सुपरिटेंडेंट, अध्यक्ष मतलब सुपरिटेंडेंट, 27 सुपरिटेंडेंट को यहां पर अपॉइंट किया गया था मौर्यन के टाइम में। तो ये कौन बता रही, कौटिल्य की अर्थशास्त्र बता रही है। और ये जो अध्यक्षा थे ये किस लिए थे, टू रेगुलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ स्टेट, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी स्टेट की उसे ये रेगुलेट करने के लिए बने थे। और दे कंट्रोल एंड रेगुलेट एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कॉमर्स वेट एंड मेजर्स क्राफ्ट वीबिंग एंड स्पाइनिंग माइनिंग, तो इन सब चीजों को ये रेगुलेट करते थे। और अगर मेगास्थिनिस की बात की जाए, ये हमें इन्फॉर्म करती है कि जो मौर्यन एम्पायर के जो ऑफिसर थे वो मेजर जो लैंड को करते थे, जैसा वो लैंड को मेजर करते थे वैसा ही इजिप्ट में किया जाता था। ओके, तो अगर हम मेगास्थिनिस की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में इनके बारे में बहुत कुछ है पता चलेगा हमें। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्रोमिनेंट फॉरेन ट्रेवलर टू इंडिया इन एंशियंट एंड मेडिएबल पीरियड। तो कौन कौन फॉरेन ट्रेवलर है, मेगास्थिनी है, डायमकस है, फायन है, हुएन सांग है, आई सांग है, अल मसूदी, अल बुरानी, तो ये सब हमारे फॉरेन ट्रेवलर है। तो मेगास्थिनी जो यहाँ पर बात की गई है तो ये कंटेम्परेरी थे चंद्रगुप्त मौर्यन के। ओके, और कंट्री एंड टाइमलाइन क्या है इसकी, ग्रीक्स 302 BC से 298 BC। और अर्थशास्त्र जो
कौटिल्य का है हमें ये बताता है कि मौर्यन पीरियड्स में एम्प्लॉयमेंट मतलब कि स्लेव का एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट होता था समझे। और अगर ये मेगास्थिनिस की बात करें तो ये ऐसा बताते हैं कि हमने कोई भी स्लेव नोटिस नहीं किया है इंडिया में। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या बताती, इंडियन सोसाइटी वॉज नॉट अ स्लेव सोसाइटी, व्हाट दिस स्लेव डिड इन ग्रीस एंड रोम वॉज डन बाई दी सूद्रास इन इंडिया। दी सूद्रास वेयर रिगार्डेड एज कलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ थ्री हायर वर्ना, दे वेयर कंपेल्ड टू सर्व देम एज स्लेव आर्टिसन एग्रीकल्चर लेबर एंड डोमेस्टिक सर्वेंट। ओके, अब यहाँ पर ये यहाँ पर पाटलिपुत्रा के बारे में बताया जा रहा है। तो पाटलिपुत्र के बारे में क्या पता चलता है, दिस वॉज बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक पोजिशन ऑफ पाटलिपुत्र। जिस तरह पानीपत की एक स्ट्रेटेजिक पोजिशंस कहते हैं वहां पर काफी लड़ाइयां हुई, उसी तरह यहाँ पर पाटलिपुत्र की बात कर रहा, फ्रॉम वेयर रॉयल एजेंट कुल्ड सेल अप एंड डाउन दी फोर डायरेक्शन। तो इस पाटलिपुत्र से हम चार डायरेक्शन ले सकते हैं जाने की। तो अगर हम इसके अगर अलावा अगर हम रॉयल रोड की बात करें तो हम पाटलिपुत्र से नेपाल भी जा सकते, थ्रू वैशाली एंड चंपारण होकर के हम नेपाल भी जा सकते पाटलिपुत्र से। तो इस रोड के बारे आप खुद पढ़ लेना। पर यहाँ पर जो मेगास्थिनिस बताते हैं कि आ रोड कनेक्टिंग नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया विथ पटना, तो आप ये देख सकते हैं मेगास्थिनिस जो है ये हमें इन्फॉर्म करते हैं कि जो एक रोड थी जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को कनेक्ट करती थी पटना के साथ। तो अगर आप इस पॉइंट पे इस पैराग्राफ पे देखोगे तो यहाँ पर बात करते हैं, दी कैपिटल वॉज ऑल्सो कनेक्टेड विथ कलिंगा बाई अ रूट थ्रू ईस्टर्न मध्य प्रदेश एंड कलिंगा। तो जो जो कलिंगा था हमारा जो कैपिटल जो कैपिटल था वो कलिंगा से भी कनेक्टेड था और ईस्टर्न मध्य प्रदेश से भी कनेक्टेड था। और इन ईस्टर्न वॉज कनेक्टेड विथ और इसके द्वारा ही कलिंगा मध्य प्रदेश के चलते आंध्रा और कर्नाटका कनेक्टेड था। ऑल दिस फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इन विच हॉर्सेस मे हैव प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो मौर्यन टाइम में हॉर्सेस का भी काफी अच्छा रोल रहा। और आर्मी की बात करें तो इस वक्त में आर्मी 6,50,000 से ज्यादा नहीं थी। अगर 10% पॉपुलेशन की अगर 10% की जो 10% पॉपुलेशन अगर आर्मी में इम्प्लॉय की जाए तो भी अगर इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो वो 6.5 मिलियन से ज्यादा नहीं होती थी। एंशिएंट इंडिया में मौर्यन पीरियड को एक लैंडमार्क की तरह देखा जाता अगर अगर टैक्सेशन की बात की जाए। जो सिस्टम ऑफ टैक्सेशन था वो मॉडर्न पीरियड में एक तरह से लैंडमार्क था। अब ये क्यों लैंडमार्क था इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक समाहर्ता थे, ये हाईएस्ट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ असेसमेंट के लिए इन्हें रखा गया था। फिर दूसरे थे सनिधाता जो कि चीफ कस्टोडियन ऑफ स्टेट ट्रेजरी एंड स्टोर हाउस के लिए इन्हें ये पोस्ट दी गई थी। तो समाहर्ता ये हाईएस्ट ऑफिसर थे, ये असेसमेंट का काम करते थे, और जो सनिधत्ता थे ये चीफ कस्टोडियन का काम करते थे स्टेट की ट्रेजरी और स्टोर हाउस के लिए। तो जो लिस्ट ऑफ टैक्सेस है जो कितनी टैक्स की टैक्स रहती थी, जो भी लिस्ट थी टैक्स की वो मेंशन कहाँ पर है, वो मेंशन है अर्थ शास्त्र में मेंशन है। और अगर इस पैराग्राफ की बात की जाए तो यहां पर बात कर किया जाता है, वी हैव एपिग्राफिक एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रूरल स्टोर हाउस। तो हमारे पास एपिग्राफिक एविडेंस है जो रूरल में स्टोर हाउस होती थी उसका। और ये क्या दर्शाती है, ये बताती है कि जो टैक्सेस कलेक्ट किया जाते थे इन इन काइंड इन काइंड मतलब कि किसी ने अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो अनाज अपने दे दिए इस तरह से, वो ग्रैनरी फुल हो गई थी। और उसी के दो उसी ग्रैनरी से हम लोकल पीपल को हेल्प करते थे काफी बार, जब फेमीन आती थी, ड्रॉप आता था, बाढ़ आता था तब। तो अगर इस पैराग्राफ में बात करें तो इस पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, तो यहाँ पर जो इंपीरियल करेंसी थी मॉरियन टाइम में वो कौन सी करेंसी थी, वो करेंसी थी पंच मार्क सिल्वर क्वाइन जिसपे की सिंबल बने होते थे एनिमल्स के, जैसे कि पिकॉक के, हिल्स के, क्रेसेंट के। तो
तो ये जो पंच मार्क्स सिल्वर क्वाइन थी, इसे यूज किया जाता था कलेक्ट, मतलब जब कलेक्ट करते थे टैक्स, तो वहां पर किसी ने बहुत कोई पंच मार्क्स सिल्वर क्वाइन में भी टैक्स को पे करते थे, और ये पेमेंट ऑफ ऑफिसर, जब ऑफिसर को पे करते थे कैश में, तब ये क्वाइन का यूज करते थे या उन्हें देते थे। और ये फर्दर बिकॉज ऑफ इट्स यूनिफॉर्मिटी दी करेंसी मस्ट हैव फैसिलेट मार्केट एक्सचेंज इन वाइडर एरिया, और ये काफी ज्यादा एरिया में फैली हुई थी पंच मार्क क्वाइंस। तो अब ये जो पैराग्राफ है, ये हमें मौर्यन टाइम की जो आर्ट एंड कल्चर थी उसके बारे बताता है। तो मौर्यन ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? मौर्यन ने स्टोन मैसनरी इंट्रोड्यूस किया था काफी वाइड स्केल में। और जो मेगास्थिनीज ये बताते हैं कि जो मौर्यन पैलेस है पाटलिपुत्र में, वैसा ही पैलेस जैसा ईरान में है, ईरान के कैपिटल में है, ये बताते हैं मेगास्थिनीज। अगर कुमराह की बात करें तो ये एक प्लेस है, यहाँ पर 18 पिलर हॉल हमें हमने डिस्कवर किया है। तो अगर मौर्यन टाइम की अगर हम केप्स की बात करें, तो एक केप्स है यहाँ पर, बाबर केप्स, जो कि गया से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और बाद में यही सब केव्स वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में भी फैल जाती है। तो मॉरिन आर्टिसन आल्सो स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हुइंग आउट कैप फ्रॉम रॉक्स फॉर मॉन्क्स टू लिव। तो ये सब जो कैप्स है, यहाँ पर मॉन्क्स रहते थे, जैसे कि जैनिज्म के मॉन्क्स, बुद्धिज्म मॉन्क्स, ये सब इस केप में रहते थे। तो हम मॉरिन आर्ट एंड कल्चर के बारे अलग से एक सेपरेट वीडियो में जानेंगे। यहाँ इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर और अदर जो टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे।